और सभी पर्यावरण प्रेमी बंधुओं से, पूरी सिख संगत से यही निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से हमारे गुरु महाराज जी ने ये इतना बड़ा एक आमों का बाग लगाया है, ये पहला यहीं नहीं लगाया, पास में ही अथाई खेड़ा में महाराज जी का फार्म हाउस है, वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक वहाँ पर पेड़े लगाए हुए हैं। किसान पुत्र डॉक्टर केपी यादव, जो कि गुना लोकसभा के सांसद रहे हैं, उन्होंने सरकार में रहते हुए सदन में अनेक बार पीएम मोदी और कृषि और पर्यावरण मंत्री को संबोधित करते हुए जैविक कृषि, वन उपज संपदा पर ध्यान आकर्षण कराया है। डॉक्टर यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधरोपण कर संदेश दिया कि घटते वन क्षेत्र और वृक्षों की कटाई से प्रकृति में हो रहे बदलाव चिंताजनक हैं। गर्मी, सर्दी और बारिश में संतुलन बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे पर्यावरण और प्रकृति का वातावरण हरा भरा और खुशनुमा रहे। इसी क्रम में जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मलकीत सिंह ने भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर संदेश दिया और रेडियस मीडिया के माध्यम से जन जन को जागरूक किया। हमारे गुरु महाराज जी की तीसरी बरसी है, उस बरसी के अवसर पर मैं गुरु महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ और सभी पर्यावरण प्रेमी बंधुओं से, पूरी सिख संगत से यही निवेदन करूँगा, जिस प्रकार से हमारे गुरु महाराज जी ने ये इतना बड़ा एक आमों का बाग लगाया है, ये पहला यहीं नहीं लगाया, पास में ही अथाई खेड़ा में महाराज जी का फार्म हाउस है, वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक वहाँ पर पेड़े लगाए हुए हैं। और ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी चार गुरुद्वारे और हैं, वहाँ पर भी काफ़ी पेड़ पौधे लगाए हैं। महाराज जी जहाँ भी जाते थे वहाँ हर जगह पेड़ पौधों के लिए और जल संरक्षण की बात हमेशा लोगों से करते थे।